खरगोन जिले के भिकनगांव में जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना भिकनगांव प्रभारी संतोष सिसोदिया द्वारा एक टीम गठित कर गांजा पकड़ने में सफलता हासिल की है। मुखबिर की सूचना पर ग्राम पत्थरवाला लोहार या फालिया से सोरसिंह पिता नथु जाति भिलाला उम्र 60 वर्ष के मिर्ची के खेत में दबिश देकर आरोपी के पास से 39 किलो 640 ग्राम कीमत लगभग 3 लाख रुपये और घर के अंदर रखी गांजे की थैली जिसमें 5 किलो 300 ग्राम वजन 53,000 रुपये की जब्त किया गया। कुल गीला और सूखा गांजा 44 किलो 940 ग्राम जिसकी कीमत 4,49,400 रुपये जब्त किया गया है। आरोपी सुरसिंह पिता नथु के खिलाफ अपराध क्रमांक 8/20 NDPC एक्ट के तहत अपराध प्रमाणित किया गया है और गिरफ्तार किया गया है। घर पर जब्त गांजा अपराध क्रमांक 302/19 धारा 8/20 NDPC धारा के एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये पुलिस मुख्यालय द्वारा एक अभियान चलाया गया प्रतिकार प्रहार, जिसमें जो आज की जनरेशन भांग गांजा अफीम चरस पीकर नशीली पदार्थ का सेवन करके कमज़ोर होते हैं, उनके विरुद्ध जो अभियान था तो प्रहार के तहत SP साहब पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक टीम गठित करी जिसमें थाना प्रभारी संतोष सिसोदिया और SI फिरदोस टोपो और आरक्षक भरत महिला आरक्षक अर्चना, ये लोगों को मुखबिर द्वारा सूचना दी कि ग्राम पत्थरवाड़ा में सुरसिंह भिलाला के खेत है जहां मिर्ची के खेत में अवैध गांजे के पौधे लगाए हुए। मुखबिर की सूचना पर जाकर वहां देखा तो खेत में मिर्ची के उसमें गांजे के पौधे थे और तो कुल 39 किलो 640 ग्राम गांजा हरा गांजा और मकान की तलाशी ली जिसमें 5 किलो 300 ग्राम सूखा गांजा जब्त किया। आरोपी के विरुद्ध 8/20 NDPS एक्ट का प्रकरण दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर, ऑपरेशन प्रहार के तहत क्या आगे भी आगामी कार्रवाई चलती रही? ये चलती रहेगी, अभी ये 31 तारीख आखिरी है, परंतु ये जो अभियान है वो जारी रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।